हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वो ये टैबलेट मेरा मेरे भाई के पास था, अभी अभी मतलब कल मैंने उससे मांग लिया था बिकॉज उसके पास दूसरा आ गया है, तो मैंने बोला मेरा पुराना वाला मुझे वापस दे दो। प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज मेरा लैपटॉप जो है वो भी ख़राब चल रहा है, बीमार चल रहा है आज के टाइम में, तो मैंने मांगा था कि ठीक है क्लासेस वगैरह करने के लिए ठीक रहेंगी, तो फिर मैंने ले लिया। अब उसने पूरा रीसेट करके मुझे दिया है, सो अभी मेरे को इसमें एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करना है क्योंकि मुझे रिवाइज़ करना है। एंड चलो सब कुछ करके मैं मिलती हूँ आप लोगों से। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैं इसको चलाने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत सारे कोशिशों के बाद भी ये चल नहीं पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्या हो गया है, क्यों नहीं चल रहा है। डेटा भी है इसमें, सिम भी मैंने डाला है एंड वाईफाई भी कनेक्ट करा, फिर भी नहीं चल रहा है। मुझे क्लास करनी थी इनऑर्गेनिक की वन शॉट वीडियो, मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, बट ये चल नहीं पा रहा है। एंड देन फिर मैंने अपना ईमेल डाल के ट्राई करा, सोचा करती हूँ, फिर मुझे याद है, अरे यार ईमेल का पासवर्ड ही मुझे याद है, तो क्या घंटा खुल पाऊंगी मैं, तो फिर नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। एंड एज यू कैन सी द टाइमिंग, मतलब कितना ज़्यादा टाइम लग गया यार सिर्फ ये सब करने में, लेकिन फाइनली इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और वो क्लॉक की टाइमिंग सही नहीं है बिकॉज ये रुक रुक के चलती है, सोती है, फिर चलती है, मैं सही कर देती हूँ फिर भी बीच में रुक जाती है। ये एक्चुअली इसकी तबीयत तब से नहीं, बहुत काफ़ी टाइम से खराब है, जब मैं यहाँ पे रहती थी तब से खराब है, बट ये ऐसे ही थी, इसको कोई अस्पताल नहीं लेके गया। एंड देन फाइनली अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद करने के बाद मैं घूम फिर के अपने फ़ोन पे आ गई कि चलो भैया फ़ोन से ही क्लास कर लेते हैं, क्योंकि टैबलेट में तो चलने से रहा, तो जो हमारे सर हैं पढ़ा रहे हैं इसमें, मैं देखना चाहती थी उनको बड़ा बड़ा, बट बड़ा बड़ा तो देख नहीं पाऊँगी, तो छोटा छोटा ही देखूँगी इनको इसमें। एक्चुअली क्या होता है, पढ़ते टाइम थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, हम लोग वैसे भी मैनेज करने वाले हैं तो कर लेंगे। और आप में से कुछ लोग में से ये भी पूछ रहे थे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो किस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। लाइक कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अभी तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है क्या, अभी तो नहीं, नीट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हो और साथ में वो चैप्टर वाइज भी हो जिससे आपके चैप्टर भी स्ट्रांग हो सके, मीन टू से चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको आप उससे, सो आई हैव एन सजेशन। एंड आफ्टर ब्रेक आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। दिस इज अ मास्टर नीट यूजी बायोलॉजी बुक विद न्यू पैटर्न एंड दिस इज फ्रॉम दिशा पब्लिकेशंस। इस बुक में आपको मिलेगा 1700 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एंड रिविजन। एंड इस बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, फॉर एग्जांपल असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट एंड मल्टी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एंड मेनी मोर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज वेरी अफोर्डेबल बुक। एंड यू ऑल नो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो एनसीईआरटी के हर एक लाइन से इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपका हर एक चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड इन दिस बुक यू विल फाइंड क्वेश्चन इन टू पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट में आपको असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट एंड मल्टी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड सेकेंड पार्ट में आपको मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मीन टू से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैचिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन इस बुक में डिटेल में दिया हुआ है, सो डोंट वरी अगर आप क्वेश्चन करते टाइम किसी कॉन्सेप्ट में फंस जाते हो या फिर कहीं पर प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं पर स्टक हो जाते हो, तो इसका सोल्यूशन आपको इसी बुक में मिल जाएगा। एंड दिस इज सफिशियंट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर नीट, सो विदाउट एनी सेकेंड थॉट यू कैन गो फॉर दिस बुक। नीट एग्जाम के लास्ट दिन चल रहे हैं जिसमें ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर बिकॉज मैंने ये स्टार्ट तो करा था ये वाला बुक रिवाइज करना कि एक एक दिन एटलीस्ट मैं एक एक चैप्टर रिवाइज करूँगी तो हो जाएगा, बट वो बीच में फिर गैप हो गया था तो एक ही चैप्टर रिवाइज करके रखा था मैंने, ये नहीं हो पाया था। सो अभी ये करते हैं एंड देन मैं सोच रही हूँ एक एक दिन करके ये कंप्लीट करूँ, बट बीच में इतने सारे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, सो उसका सिलेबस भी थोड़ा बहुत मैं देख ले रही हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम चला जा रहा है, बट कोई ना, बायोलॉजी है ये जल्दी रिवाइज हो जाती है, नीट एस्पिरेंट ये रिलेट कर पाते हैं कि बायोलॉजी जल्दी रिवाइज हो जाती है,
चलो यहाँ चलो ये रिवाइज करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब भी हम बायोलॉजी रिवाइज करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट क्यों पढ़ते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। सो मैं कोई भी चैप्टर अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं जरूर पढ़ती हूँ ऊपर वाला पार्ट, ताकि मेरे को अच्छे से मतलब लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ रिवाइज करा है। ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई लाइन कोई पैराग्राफ कोई टॉपिक जो भी है छोड़ा है। और एक बार पढ़ लेंगे रिवाइज करते टाइम, एक बार पढ़ लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है तो पढ़ लेते हैं कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसमें होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं तो पढ़ लेते हैं। और यू नो व्हाट कि ये नीट है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से बना के दे भी सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो देंगे कि नहीं देंगे, बट दे भी सकते हैं। बट हमें क्या यार, हम रिवाइज करें तो थोड़ा सा इतना भी रिवाइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। सो जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती हूँ, वो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो एनसीईआरटी से जो भी पढ़ती हूँ, तो मैं पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फिर मैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि यार मैंने इतना छोड़ दिया था, आगे का नहीं रिवाइज किया था, छोड़ दिया था। सो यार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों का क्या वे होता है चैप्टर्स को रिवाइज करने का, चाहे आप वो बायोलॉजी पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा रिवाइज करते हो, या फिर जो अंडरलाइन किया हुआ है या फिर जो मार्कर लगाया हुआ है लाल पीला नीला हरा जो भी है वो सिर्फ करते हो, और अगर नोट्स से रिवाइज कर रहे हो तो, बट नोट्स में तो हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखते हैं तो वो तो पूरा ही करना पड़ता है, मैं बुक की बात कर रही हूँ। सो बताना मेरे को, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ लोग किस किस टाइप के लोग हैं और कैसे कैसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। एनसी लाइट चली गई, कल से बारिश हो रही है तो लाइट तो है ही नहीं, ठीक है। इन्वर्टर चल रहा था, मेरा इन्वर्टर भी खत्म हो गया, पूरे घर की लाइट गुल हो गई है, पता नहीं लाइट कब आएगी, ना बारिश क्यों हो रही है। अब मैं जा रही हूँ बाहर पढ़ने, अब बाहर मैं तो कैमरा लेके जा नहीं सकती, ट्राइपॉड लेके जा नहीं सकती, तो चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी। और मेरे इधर वाले रूम में ना सन लाइट का कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी तो लाइट आएगी, थोड़ी थोड़ी, हालांकि बारिश जैसा वेदर है अच्छी लाइट नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी आती, बट यहाँ पे वो भी ऑप्शन नहीं है। गुफा में मैंने अपना रूम बनवाया है ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके, इसीलिए ये रूम लिया था, लेकिन फिर मैं हॉस्टल चली गई तो आके भी मुझे यहीं पे पढ़ना होता है। तो चलो कोई ना, लाइट आती है फिर मिलते मैं आप लोगों से। मैं आप लोगों से क्या होता है यार, कभी कभी मेरी ज़ुबान एक्स्ट्रा वर्क नहीं करती, क्या पता सबका करता हो, कभी कभी सबका नहीं करता होगा, मेरा ही करता है। एंड उसके बाद मैंने लंच करा, बिकॉज़ लंच बहुत लेट हो गया था, मैंने करा नहीं था, तो लंच करा, फिर गुलाब जामुन खाया। आप लोगों को अच्छा लगता है ये बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैं निकल गई नानी के घर के लिए, एक्चुअली बहुत टाइम से मैं उनसे मिली नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि जाएंगे मिल के आ जाएंगे, तो बस गए। फिर आने के बाद यू कैन सी द वेदर कितना ख़राब हो रखा है, एंड 90% है कि फिर से बारिश होगी, एंड ऑब्वियसली बारिश हो ही गई थी, एंड यू कैन सी इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है। दो तीन दिन पहले यहाँ पे स्टोन भी गिरा था बारिश में, बट इसकी वजह से सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, तो अभी तक ही फील हो रहा है कि अभी तक ही सर्दी चल रही है। एंड देन बारिश के बाद ये मैं खा रही हूँ समोसे और चाय इवनिंग स्नैक्स में। सो या गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।